तो हम बात करते हैं किचन की डिजाइन गाइडलाइंस के बारे में और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसका क्या महत्व होता है किचन डिजाइनिंग के अंदर और उसकी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किचन के वर्क फ्लो के बारे में। तो वर्क फ्लो बेसिकली पूरा जो कंप्लीट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक सब्जी बनाता है किचन में, तो सब्जी को स्टोर करने से लेकर के उसको वॉश करने से लेकर के उसको धोने तक और फिर उसे जो है प्रिपेयर करने तक, तो पूरी जो फ्लो होता है ना, तो इसको बोलते हैं वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उस पर काम करे तो काफी स्मूथ तरीके से जो है पूरी प्रोसेस को कर सके। और इसके ऊपर भी जो है आपको जो है ध्यान रखना है कि आपकी किचन में जब वो वर्किंग ट्रायंगल बने, तो वर्किंग ट्रायंगल के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड चीज जो कि आपको किचन डिजाइनिंग में ध्यान रखनी है वो है आपका ट्रैफिक फ्लो, और ट्रैफिक फ्लो में आपका जो पूरी किचन का सर्कुलेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, इसमें इस चीज के ऊपर काम किया जाता है। फिर किचन में थर्ड चीज जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है स्टोरेज सिस्टम। तो स्टोरेज सिस्टम में आपकी किस तरीके से आप स्टोरेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके यूटेंसिल्स, आपके कुकवेयर, आपके डिशेज, आपके फूड, तो इस तरीके से जितनी भी चीजें आपके अप्लायंसेस, आपके कुकवेयर है, इसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किचन डिजाइनिंग की जो गाइडलाइन में फोर्थ चीज जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है आपके किचन में क्लियरेंस का। क्लियरेंस में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम कितना स्पेस छोड़े कि किचन में जो भी बेसिक मूवमेंट होती है तो उसको जो है बिना एक्सीडेंट के वहां पे जो कुक है उसको परफॉर्म कर सके। फिर किचन गाइडलाइन में फिफ्थ चीज जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स में आता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए वो किचन डिजाइन हो रही है, तो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए जब हम किचन को डिजाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं किचन की एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से जो हम डिजाइन कर रहे हैं। सिक्स चीज के बारे में बात करते हैं जो है अप्लायंस का सिलेक्शन के बारे में। तो अप्लायंस जो बेसिकली मैच करे आपका जो क्लाइंट की जो कुकिंग स्किल होते हैं उससे, तो अप्लायंस सिलेक्शन में जो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता। फिर सेवन चीज आता है आपका प्लम्बिंग और फिक्सर। तो प्लम्बिंग के जो पॉइंट्स है वो आपके एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से आप जो है डिसाइड करें, और इसी के साथ साथ ही एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी आपको जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है वो है लाइटिंग का। तो लाइटिंग सिस्टम जो आप डिजाइन करते हो मल्टीपल कंट्रोल्स के हिसाब से जो आप डिजाइन करें, इजी टू एक्सेस हो उनको कंट्रोल करना। फिर नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है वेंटिलेशन का। तो प्रॉपरली साइज का जो वेंटिलेशन है वो आपकी किचन में रहे, एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी मेंटेन रहे, कंफर्टेबली मेंटेन रहे, और हेल्थफुलनेस जो है वो आपको क्रिएट हो। फिर नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है साउंड कंट्रोल। तो साउंड कंट्रोल में आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं तो वो इस तरीके से यूज हों कि उनमें से जो साउंड है वो कम से कम आए, जिससे कि साउंड जो है वो कंट्रोल। तो इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं तो जो सिंक होते हैं, तो सिंक आप यूज कर सकते हैं नॉइजलेस वाली, तो नॉइजलेस सिंक को भी जो आप सिंपली यूज कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, सिंपली सिंक होती है, उसके ऊपर जो एक तो कोटिंग करी जाती है जिससे कि उसमें जो नॉइज है वो कम से कम आए, और उसके साथ में जो है उसके ऊपर जो है एक रबड़ के पीसीस लगा दिए जाते हैं जिससे कि जो वाइब्रेशन है उसको रिड्यूस कर सके और जो नॉइज है वो ना आए। और जब हम किचन डिजाइनिंग को हम करते हैं ना किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो आपको सारे स्पेस को जो है वो एनालाइज करना पड़ता है कि आपकी जो किचन है वहां से आपका बाथरूम कितनी दूर है, वहां से रूम कितनी दूर है, वहां से मेन एंट्रेंस कितनी दूर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है ध्यान रखने पड़ते हैं अगर मतलब जो किचन की प्लेसमेंट है वो घर की और जो जितनी भी चीजें उससे अगर हम रिलेट करें तो वो किस तरीके से उसकी जो है वो कनेक्टिविटी बन रही है। फिर हम आते हैं किचन के अंदर। तो जैसे कि इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, तो देखिए आपका जो किचन है उस बेसिकली बबल डायग्राम जो आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि स्पेस में आप देख सकते हैं कि आपका ये हो गया आपका डिश स्टोरेज, फिर हो गया आपका कोर किचन यहाँ पर आएगी, फिर आपका बेकिंग सेंटर आएगा, फिर आपका डिस्प्ले या फिर एंटरटेनमेंट, फिर आपका इनफॉर्मल सीटिंग आ गया। तो इस तरीके से बबल डायग्राम क्रिएट करने के बाद फिर इसके कंप्लीट डिजाइन जो कि राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि आपका बेकिंग सेंटर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आ गया, फिर आपका डिस्प्ले एंटरटेनमेंट एरिया आ गया, फिर आपका डिश स्टोरेज और कोर किचन आ गया, फिर ये इनफॉर्मल सीटिंग जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो चुकी है। फिर प्रोसीजर में सेकंड स्टेप जिसका कि आपको ध्यान रखना, बेसिकली आपको एक लिस्ट बनानी है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, जिसके अंदर आपके कुकिंग इक्विपमेंट आ गए, आपके यूटेंसिल्स आ गए, डिशेज आ गए, ग्लासेस आ गए, सर्विंग आइटम्स आ गए, फर्नीचर आ गया। तो बेसिकली इसमें आपका किचन में जो भी फूड होता है उसको आप किस तरीके से जो आप स्टोर करेंगे, तो ये जो पॉइंट है आपको उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है। फिर प्रोसीजर में स्टेप थ्री में आपको जो किचन है उसका एक लेआउट क्रिएट करना है, उस लेआउट के एलिवेशन प्लान्स बनाने हैं। किचन के प्लान क्या होते हैं, लेआउट क्या होता है, इसको अगर आप इनडेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक कोर्स भी क्रिएट कर रखा है किचन डिजाइनिंग के ऊपर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। फिर स्टेप फोर में आपके किचन के अंदर जितने भी प्लम्बिंग वाले जो अप्लायंसेस हैं उसको आपको सिलेक्शन करना होता है, उसको किस तरीके से सिलेक्ट करें। तो बेसिकली आपको सबसे पहले मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी, सेकंड स्टेप आपको एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से जो उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा टर्म है जिसमें हम डिजाइनिंग करते समय हम जो व्यक्ति उस किचन को या फिर उस जगह को या फिर उस स्पेस को यूज करेगा उसकी जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, उसकी फिजिकल क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम डिजाइनिंग
डिजाइनिंग करते हैं तो बोलते हैं कि हमने एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से जो है वो चीजों को डिजाइन किया हुआ है। अब दोस्तों एर्गोनॉमिक्स को समझने के लिए ना एक फोटो के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ना, अब देखिए इसमें आप देखिए एक लेडीज है जिसकी हाइट है 5 feet 3 inches की। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो स्टोरेज हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि आपका जो लाइट वेट वाली आइटम वो सबसे ऊपर आएंगी, फिर अगेन लाइट वेट वाली आइटम सबसे नीचे आएंगी, फिर मीडियम वेट वाली उसके ऊपर, और बीच में जो है आपका हैवी या फिर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आइटम्स है वो आएंगी। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि जो लाइट वेट आइटम सबसे ऊपर सबसे नीचे का रखने का इसलिए रखी गई है कि सबसे ऊपर से अगर मान लिया कोई व्यक्ति उठाता है और हाथ से कोई चीज़ स्लिप होती है और वो भारी आइटम होगी तो वो एक्सीडेंट में काफ़ी इंजर कर सकता है, और अगर बॉटम में जहाँ पे लाइट वेट आपका आइटम लिखा हुआ दिख रहा होगा सबसे नीचे, अगर वहाँ पे हम हैवी वेट आइटम रखेंगे तो वहाँ से उठाते हुए हमारे लोअर बैक में जो है वो पेन हो सकता है। तो मतलब आपकी जितनी भी हैवी आइटम है ना वो आपका जो हाथ है या फिर जो आई लेवल है उसके पास ही में रहनी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट का चांस जो है वो सबसे कम हो जाएगा। तो ये जो है एर्गोनॉमिक स्टोरेज सिस्टम है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, और स्टोरेज को वेट और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो है यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर इसी में नेक्स्ट टाइप जो कि आपको ध्यान रखना है वो है कैबिनेट्स, वो कौन कौन से कैबिनेट्स हमें यूज करने हैं और उसकी जो फिटिंग्स है वो कौन कौन सी फिटिंग्स होती है, जिसके बारे में हम इस सीरीज के आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। फिर किचन के डिजाइन प्रोसीजर में नेक्स्ट टाइप जो कि आपको ध्यान रखना है वो है क्लियरेंस का, कि आपकी जो काउंटर टॉप है उसकी एजिस से कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए, आपके जो डोर्स हैं डोर्स से आपका जो कोई दरवाजा जो है वो टकराए ना, जो आपके कैबिनेट्स होते हैं बेसिकली वो मेन डोर से ना टकराए, और जब डोर आपका ओपन होगा या फिर जो कैबिनेट ओपन होगा तो उसके बाद हमें कितना क्लियरेंस स्पेस मिल रहा है। तो इस तरीके की जितनी भी चीजें, क्योंकि किचन में ना गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं अगर इन अनएक्सपीरियंस बंदा जो है उसको डिजाइन करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि वो ओपन होने के बाद हमें कितना स्पेस मिल रहा है, तो वो सारी चीजों का हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है आपकी किचन डिजाइन में क्लियरेंस के समय। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है किचन में लाइटिंग का, कि लाइटिंग का जो प्लेसमेंट है वो किचन में कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, और उस लाइटिंग को कंट्रोल जो है व्यक्ति जब करेगा तो उसके जो स्विचेस और सॉकेट है वो कहाँ कहाँ पर होने चाहिए, तो ये भी जो है काफी एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं किचन की डोर और विंडोज के बारे में। तो किचन में आपके जो डोर और जो विंडो होते हैं ना वो मेन फोकल पॉइंट होता है, मतलब आपकी किचन में वो जान डालने का काम कर सकते हैं। तो आपको डोर्स और किचन में जो है काफी ध्यान से जो है वो सिलेक्शन करना चाहिए, और अगर आपकी किचन की विंडो या फिर डोर जो कि एक्सटीरियर वाला जो पार्ट होता है आपका जो घर का जो एलिवेशन वाला पार्ट होता है अगर उसको इम्पैक्ट डाल रही है तब तो बहुत ही ज्यादा जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये आपके एलिवेशन को जो है डिस्टर्ब कर सकती है। और यही अगर मैंने किचन का जो है आप रिनोवेशन करवा रहे हो, विंडो के प्लेसमेंट्स आप करवा रहे हैं चेंज, और वो जो पार्ट है आपका फ्रंट को इम्पैक्ट डाल सकता है, तो उस टाइम पे आपको जो है बहुत ही संभल के करना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपका फ्रंट एलिवेशन भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जब हम किचन में विंडोज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो विंडोज की ना कुछ ऐसी टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप एक बेटर विंडो डिजाइनिंग को अपने किचन में कर सकते हैं। तो सबसे पहली टर्म है ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग बेसिकली अगर आपकी डोर या विंडो में जब हम ग्लास को प्लेस करते हैं और ग्लास को इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लेजिंग। फिर सेकंड जो टर्म आती होती है सिंगल ग्लेज। तो वन शीट ऑफ ग्लास जब इंस्टॉल करी जाती है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल ग्लेज। फिर थर्ड जो विंडोज की टर्म आती होती है डबल ग्लेज या फिर इंसुलेटेड ग्लास। तो इसमें दो शीट ऑफ ग्लास जो है वो इंस्टॉल करी जाती है और इसके बीच में जो है आपका आर्गन या फिर क्रिप्टॉन गैस को फिल करा जाता है, जिससे कि जो आपकी विंडोज होती है उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी काफी बढ़ जाती है। फिर फोर्थ इसमें टर्म आती है ट्रिपल ग्लेज्ड। तो ट्रिपल ग्लेज्ड में बेसिकली तीन शीट जो है वो ग्लास की इंस्टॉल करी जाती है और इनके बीच में जो स्पेस रहता है इनके पैंस के बीच में, जिसमें कि अगेन आपका ऑर्गन या फिर क्रिप्टॉन गैस जो है वो फिल करी जाती है और इसमें जो है एडिशनल जो है वो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है। फिर जो फिफ्थ टर्म जो कि आपको विंडो इंस्टॉलेशन से पहले ध्यान रखना चाहिए वो है हीट लॉस या फिर हीट गेन। तो हीट लॉस और हीट गेन जो है वो दोनों ही टाइम पे यूज करी जाती है, मतलब अगर आप मान लिया बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया है और वहां पे सन रेज जो है वो अंदर आ रही है तो इस केस में आपकी हीट गेन हो रही है, और सेम अगर हम इसका अपोजिट करते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट है और अंदर की जो हीट है हम नहीं चाहते कि वो लॉस हो और वो लॉस हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो हीट लॉस हो रही है। तो दोनों ही जो कंडीशन है वो बेकार कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन जो आपकी विंडोज को अवॉइड करना चाहिए, मतलब अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेन है वो मेंटेन ही रहना चाहिए, बाहर का जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो अंदर जो है वो इम्पैक्ट ना डाले। तो इस चीज का जो आपको ध्यान रखना जब आप विंडो को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इस केस में अगर हम बात करें तो अच्छी कंपनी की यूपीवीसी विंडोज है वो इस चीज में जो है वो काफी अच्छा काम करती है। फिर जो नेक्स्ट टर्म आती है एग्रेस, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग स्पेस, मतलब आपकी इमरजेंसी की कंडीशन में ये एक एग्जिट इमरजेंसी होती है आपकी विंडो या डोर में से। फिर जो जैसे भी मैंने आर्गन गैस के बारे में बात करते हैं, जो आर्गन गैस है वो एक कलरलेस ओडोरलेस नॉन रिएक्टिव गैस होती है जो कि आपकी जो इंसुलेटेड ग्लास होता है उसके जो बीच में जो गैप होता है उसमें फिल करी जाती है, और गैस जो है इंक्रीज
इंक्रीज करती है आपकी थर्मल परफॉर्मेंस को आपकी विंडो की, तो ये जो है काम रहता है आर्गन गैस का। हम बात करते हैं किचन के डोर्स के बारे में। तो जब आप किचन के डोर्स का सिलेक्शन करते हैं ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, आपके किचन के जो ट्रैफिक पैटर्न है उसको समझना है कि आपका ट्रैफिक पैटर्न जो है वो किस तरीके का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो डोर्स का सिलेक्शन करना है। क्योंकि डोर्स आपके काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपके हिंज डोर हो गए, आपके पॉकेट डोर्स हो गए, बार्न डोर हो गए, तो बेसिकली इनकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो भी जो है आप मतलब उसके अकॉर्डिंग जो आप डोर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और टाइप ऑफ डोर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। फिर थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है, आपकी जो डोर है उसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि थिकनेस जो है वो डिफाइन करेगी कि आपकी फ्रेमिंग जो है वो कितनी, उसकी फ्रेमिंग जो है वो थिकनेस उसकी होने वाली है। फोर पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है, इन केस आपने जो है ये डिसाइड कर लिया कि आपको जो स्विंग डोर का यूज करना है, स्विंग डोर जब आप सिलेक्ट करते हैं या फिर प्लेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि स्विंग डोर आपकी कोई डिफरेंट डिफरेंट जो अप्लायंसेस हैं अगर आप उसे यूज करते हैं, तो उसको यूज करते समय बीच में जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, वो बीच में ना अड़े, कोई अगर आप ड्रॉर खोलते हैं तो वो बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रख लेने हैं, और ये जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं अच्छी प्लानिंग के थ्रू। और अगर आप किचन प्लानिंग को भी जो है अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो नंबर आपको मिल जाएगा नीचे। तो ये हमारी जो सर्विस और कंसल्टेंसी के अंडर आता है। और अगर आप किचन डिजाइनिंग को सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने डेफिनेटली डिटेल्ड कोर्स बना रखा है, तो आप उसको जाकर के भी चेक कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जैसे स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं आप, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे जो डोर है वो आपका डाइनिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, अगेन आपका जो स्टोरेज वाला जो पोर्शन है वहां पर भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो जो डोर है वो रेफ्रिजरेटर वाइट साइड जो है वो ओपन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगेन आपका जो फ्रंट वाला जो डाइनिंग डोर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था, वो डोर भी जो है वहां से हट करके उसे जो है वो वहां से रिमूव कर दिया, तो वो प्रॉब्लम भी जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। और देखिए दोनों जो प्लान है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपकी प्लानिंग को चेंज करके और डोर्स के प्लेसमेंट्स को जो है या फिर डोर का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोर्स को यूज करके हमने उस प्रॉब्लम को जो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया है, तो ये एक काफी अच्छी लर्निंग है जो कि आप इससे ले सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट ईयर फोटो देख रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपका जो वेट है, और कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया कोई सामान उठाता है तो वो किस तरीके से उठा सकता है, बॉडी के मूव्स किस तरीके से होंगे, और इस पर्टिकुलर स्पेस में उसकी बॉडी जो है किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेगी, तो ये जो चीज है आपको अपनी डिजाइनिंग में ध्यान रखना चाहिए। फिर दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया व्हील चेयर का यूज कर रहा है, उसके लिए आप किचन डिजाइन कर, तो व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति के जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रहते हैं, तो इस पॉइंट को भी जो है आपको कंसीडर करते हुए चलना पड़ता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किचन डिजाइन कर रहे हैं। अब जो जैसे स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हो, तो एर्गोनॉमिक मेजरिंग चार्ट है, तो उसमें देखिए आपका सबसे पहले एल्बो हाइट आ गई, फिर यहाँ पर 4 feet 1 inch तक जो आपकी शोल्डर हाइट आ गई, फिर आपकी 6 feet 4 inch तक अपवर्ड रीच आ गई, और 8 feet की यहाँ पे सीलिंग हो गई। और ये जो है तब है अगर आपके जो व्यक्ति है जो कुक है उसकी हाइट है 5 feet 4 inches की, और लाइन ऑफ साइट देखेंगे तो वो जो है मतलब आईज लेवल जो है उसका 4 feet 11 inches का है। तो इस तरीके से जो है आपको एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना चाहिए कुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किचन के काउंटर टॉप की हाइट के बारे में। तो जनरली किचन की जो काउंटर टॉप की जो हाइट होती है वो 34 inches से लेकर 36 inches तक जो है वो फिनिश्ड रहनी चाहिए, मतलब आपका जो टॉप पे जो पत्थर लगता है मतलब फ्लोर से लेकर के बिल्कुल रेडी आपका जो स्टोन ऊपर लग जाए, तो वहां तक जो 34 से 36 inches तक होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं काउंटर टॉप की डेप्थ के बारे में। तो काउंटर टॉप की जो डेप्थ है वो आपका 25 inches तक जो है वो हो सकती है, मतलब 24 inches से लेकर के 25 inches तक के बीच में हो सकती है। फिर हम बात करते हैं किचन के बैक स्प्लैश के बारे में। तो किचन का जो बैक स्प्लैश है वो आपका 18 inches से लेकर के 24 inches तक के बीच में हो सकता है। फिर नेक्स्ट ईयर स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, अब देखिए इसमें आपको ना दो कुकटॉप दिखेंगे, एक तो मल्टीपर्पज बर्नर दिखेगा और एक गैस कुकटॉप दिखेगा। तो आप अगर इसके एलिवेशन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मल्टीपर्पज जो बर्नर है उसकी जो हाइट है वो लगभग 2 feet 6 inches के अराउंड है, और आपका जो गैस टॉप है उसकी हाइट है आपका अराउंड जो है वो 34 inches के अराउंड, यानी कि लगभग 3 feet के अराउंड है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाइट का जो वेरिएशन था कि दोनों अगर मैंने दो अलग अलग जो हाइट वाले जो कुक है वो इस पर्टिकुलर किचन में जो वो काम कर सके। फिर जो आपके किचन में जो काउंटर टॉप्स होते हैं ना, तो उसके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं जो कि स्टैंडर्ड आपको छोड़ते हुए चलने चाहिए आपके लैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहाँ पर कितने छोड़ने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका कुकटॉप और जो आपका सिंक होता है ना, उसके बीच में जो स्पेस वो आपका 18 inches से लेकर के 36 inches तक का जो स्पेस है वो छूटता है। रीजन उसका यह है कि आपका जो सिंक है और जो कुकटॉप है, मतलब कुकटॉप पर आपने कोई भी सामान उठाया तो बीच में वहां पर रखने के लिए, या फिर आपका कोई सिंक है, सिंक से कोई सामान आपने उठाया, कोई बर्तन उठाया तो वहां पर रखने के लिए, तो ये स्पेस जो है इस पर्पज से जो यहाँ पर काम आता है लैंडिंग पॉइंट। फिर आपका जो कुकटॉप होता है ना, उसके लेफ्ट या फिर राइट दोनों साइड जो है आपको 12 से लेकर के 15 inches का स्पेस जो है वो लैंडिंग के लिए आपको छोड़ना चाहिए। फिर अगेन आपका सिंक
सिंक के साइड में भी जो है आपका मिनिमम 18 इंचेस से लेकर के 24 इंचेस का स्पेस छूटना चाहिए। फिर आपका रेफ्रिजरेटर जो होता है ना उसके नेक्स्ट भी जो है आपका लैंडिंग स्पेस एक जो है वो छूटना चाहिए 15 इंचेस से लेकर के 18 इंचेस तक के बीच का। फिर आपका सिंक और रेफ्रिजरेटर के बीच में भी जो है आपका काउंटर स्पेस जो है वो छूटना चाहिए मिनिमम 36 इंचेस का। तो सो नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं तो देखिए ये वर्क काउंटर स्पेस है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ एलिवेशन दूसरी तरफ प्लान। तो आप देखेंगे कि सिंक और जो डिशवॉशर है वहां पर जो है सिंक के दोनों तरफ जो आपका लैंडिंग स्पेस छूट रखा है, और यहीं अगर आप देखेंगे आपका जो हॉब है तो हॉब के साथ में भी जो है आपका लैंडिंग स्पेस छूटा हुआ है 1 feet 7 inches का। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। और फिर अगेन इसमें जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको लैंडिंग स्पेस जो है वहां पर मिलेगा। और बेसिकली आप देखेंगे सिंक और रेफ्रिजरेटर के बीच में 3 feet 6 inches का जो स्पेस छूट रखा है क्योंकि सिंक और रेफ्रिजरेटर दोनों के लिए काम कर रहा है। और फिर अगेन दोस्तों अगर आप ओवन को अगर आप प्लेस करें तो ओवन के साथ में भी जो है आपको एक लैंडिंग स्पेस जो है वो रखना चाहिए। और ये जो स्पेस आपका 12 इंची से लेकर के 15 इंची तक के बीच में हो सकता है। किचन डिजाइनिंग में जब हम प्लानिंग करते हैं तो किचन की जो प्लानिंग होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छी किचन की प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर फोटो में देख रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप वन में जो है आपको एस्टेब्लिश करनी होती है कोर किचन कि आप जो है किचन की क्या शेप रखेंगे और किस तरीके से जो है आप जो स्लैब है उसको आप जो प्लेस करेंगे। फिर स्टेप टू में आपको जब ये चीज ओके हो जाती है तो आपको कहाँ कहाँ पे प्लम्बिंग के पॉइंट्स देने हैं, तो प्लम्बिंग की लोकेशन कहाँ पर देनी है ये स्टेप टू में आपको जो डिसाइड करना है। फिर स्टेप थ्री में आपको जितने भी अप्लाइंसिस है ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो अप्लाइंसिस को जो है आपको प्लेस करना है स्टेप थ्री के अंदर। फिर स्टेप फोर के अंदर आपको लोकेट करनी है कैबिनेट्स और स्टोरेज, और स्टेप फाइव में आपको इलेक्ट्रिकल आउटलेट हो गए, लाइटिंग हो गए, स्विचेज हो गए, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको प्लेस करने हैं। तो इस तरीके से 5 steps हैं जिनको कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप जो है किचन की जो प्लानिंग है उसको काफी अच्छे और इफेक्टिव तरीके से जो है वो कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप अपनी किचन को ना लेयर्स की फॉर्म में जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप फोटो में देख रहे हैं तो देखिए सबसे पहले जो हो गई आपकी सीजनल आइटम्स हो गई तो उनको जो है आप काफी कम इंपॉर्टेंस दीजिए। फिर उसके बाद होती है नॉट इसेंशियल, तो मतलब ऐसी आइटम जो कि मंथली यूज करी जाती है, देन फिर होती है इसेंशियल आइटम जो कि डेली या फिर वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो यूज करी जाती है। तो इन सब आइटम्स को ना आप लेयर्स की फॉर्म में करिए। लेयर वन में आपका हो गया जिसमें डेली या फिर वीकली आइटम्स हो गए, फिर लेयर टू में आपकी नॉट सो इसेंशियल आइटम्स हो गए, फिर आपकी लेयर थ्री में जो है आपकी सेल्डम या फिर जो सीजनल आइटम्स हो गई वो हो गई। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं तो इसमें देखिए 3 layers में जो है आपकी किचन को डिवाइड करा हुआ है। तो सबसे पहले लेयर वन में आप अगर देखेंगे तो लेयर वन में डेफिनेटली जो इसेंशियल आइटम्स आते हैं तो लेयर वन में आपकी डेली या फिर वीकली बेसिस के आइटम्स हो गई आपकी, इसमें आपके जो इसेंशियल इक्विपमेंट हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, टेबल वेयर हो गई, तो ऐसी चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें तो लेयर वन में जो कि हॉब के पास है। फिर लेयर आप टू में देखेंगे तो लेयर टू में आपके टूल्स यूटेंसिल्स हो गए, स्मॉल अप्लाइंसिस हो गए जो कि आपके मंथली बेसिस पे जो है वो यूज करी जाती है, तो लेयर टू में आप देखेंगे तो वहाँ पे सिंक के पास जो है वो आपका डिशवॉशर, आपका माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और ओवन तो उसके आसपास ही जो है वो होनी चाहिए। फिर आपकी लेयर थ्री में अगर आप देखेंगे तो लेयर थ्री में जो है आपकी सीजनल आइटम्स आ गई, इसमें जैसे कि आपके क्लोजेट्स हो गए, पेंट्रीज हो गई, बेसमेंट्स हो गए, आपके फर्नीचर के पीसीस हो गए, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी लेयर थ्री में। तो इससे आप ये भी समझ गए कि किस तरीके से जो है किचन में लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री को आपको जो है वो कैटेगराइज करना है और कौन सी आइटम जो है वो कहाँ पर प्लेस करनी है। स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ना इसको आप जो है यहीं पे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें जितनी भी आइटम्स है ना वो आपको मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट, सबके नाम लेकर के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लेकिन आप डेफिनेटली इसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी आइटम जो है किचन में यूज होने वाली आइटम। फिर नेक्स्ट जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसमें आपकी फूड स्टोरेज, स्मॉल अप्लाइंसिस हो गए, आपके फूड स्टफ्स हो गए जैसे कि आपके हर्ब, स्पाइसी, सीजनिंग, शुगर, फिर आपके मिसरेनियस आइटम्स में कटिंग बोर्ड्स, हॉट पैड्स, किचन टॉवल्स हो गए। तो इन सब आइटम्स को जो है आप पॉज करके आराम से जो है वो पढ़िए और उसकी लिस्ट बनाएगी ये सारी आइटम्स जो है वो होती हैं और कौन कौन सी आइटम जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी किचन को काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए जब आप किचन डिज़ाइन करते हैं ना सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुकिंग स्टाइल्स होते हैं क्योंकि उन्हीं स्टाइल्स के अकॉर्डिंग जो है आप किचन को प्लान कर सकते हैं, उसकी चिमनी को डिसाइड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करती हैं कि आपकी जो कुकिंग की जो स्टाइल है वो कौन सी है। तो उन्हीं स्टाइल्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे क्योंकि स्टाइल ही जो है वो डिपेंड करती है कि आपको वहाँ पे पत्थर कौन सा लगाना चाहिए, टाइल कौन सी लगानी चाहिए। तो बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपके जो स्टाइल होता है ना कुकिंग का तो उसके ऊपर जो है वो डिफाइन करती है। तो आज की वीडियो में उसी कुकिंग स्टाइल
स्टाइल के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो बेसिकली फूड प्रिपरेशन की सबसे पहली जो टेक्निक है जिसका नाम है सॉटे। तो इस टेक्निक में जो फूड है इसको बहुत ही रैपिडली कुक किया जाता है और इसमें फैट भी जो बहुत कम होता है, ऑयल जो है वो काफी कम यूज किया जाता है और रिलेटिवली हाई हीट पे जो है इसको पकाया जाता है। देन फिर सेकंड तरीके की जो फूड प्रिपरेशन जो टेक्निक है जिसका नाम है स्टिर फ्राई। तो इसमें जो स्टाइल है वो काफी हद तक जो है सॉर्टिंग के आसपास ही जो है और इसमें भी जो है कुक जो किया जाता है खाने को बहुत ही क्विकली तरीके से किया जाता है और हाई हीट पे जो है खाने को पकाया जाता है। देन फिर थर्ड आता है जिसका नाम है पैन फ्राई और इसमें जो है आपके फूड को जो है वो फ्राई किया जाता है और इसमें जो है ऑलमोस्ट इसको कोट करके जो है खाने को इसमें फ्लोर या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैटर में जो है कोट करके जो है फूड को जो है वो फ्राइड किया जाता है। इसमें इनफ ऑयल का यूज किया जाता है, इसमें जो है मतलब जो ऑयल जो कवर किया जाता है वो हाफ वे या फिर टू थर्ड तक जो है वो कवर किया जाता है। तो ये भी जो है एक स्टाइल है, हालांकि इसमें इतना जो है ऑयली यूज नहीं किया जाता लेकिन आपका हाफ या फिर टू थर्ड तक जो है वो डेफिनेटली आपका जो है वो ऑयल यहाँ पर यूज हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो आपकी फूड प्रिपरेशन की जो टेक्निक है जिसका नाम है डीप फ्राई। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है डीप फ्राई, तो इसमें जो फूड को कुक किया जाता है ना, तो एक तो इस खाने में फैट बहुत ज्यादा होता है और इसमें जो ऑयल होता है वो कम्प्लीटली जो है वो जो भी इसमें जो है चीज जो कुक करते हैं तो पूरी जो आइटम है वो आपके ऑयल के अंदर जो है वो डूबी भी रहती है, जैसे कि इसका नाम है डीप फ्राई। और इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक या फिर गैस फ्रायर्स का यूज भी जो है वो किया जाता है बास्केट्स के साथ और इसको जो है हम टिपिकली डीप फ्राइंग के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट तरीके की जो फूड टेक्निक है जिसका नाम है स्टीमिंग। इसमें जैसे कि आपके मोमोज हो गए या फिर ऐसी आइटम जिनको कि स्टीम करके जो है वो बनाया जाता है, जैसे कि आपकी इडली हो गई, तो इसमें बेसिकली आपके जो वाटर वेपर जो बनता है ना उससे जो है आपकी जो है वो फूड कुक होती है, मतलब स्टीम का जो सर्कुलेशन होता है अराउंड, तो उससे जो है आपका खाने को पकाया जाता है। डेफिनेटली मॉइस्ट एनवायरमेंट जो है वो आपका हो जाता है किचन के अंदर अगर इस तरीके की कुकिंग होती है। तो फिर नेक्स्ट तरीके की फूड प्रिपरेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में ये जो है काफी यूजफुल इक्विपमेंट है बॉइलिंग के लिए, अगर हम बात करें तो आपका जिसमें आपका कोलेंडर्स हो गया, आपका स्ट्रेनर्स हो गए, ड्रेनेज हो गए, तो ये जो इक्विपमेंट है डेफिनेटली आपका वेजिटेबल जो है वो काफी जल्दी कुक हो जाती है और एडवांस जो वर्जन इसका रहता है। फिर नेक्स्ट टाइप की जो टेक्निक है जिसका नाम है पोचिंग। और पोचिंग में क्या होता है कि आपका जो कुकिंग जब करते हैं ना तो आपका जो पूरा जो फूड होता है जिसको हम कुक करते हैं वो पूरा पूरी तरीके से जो है वो डूबा हुआ रहता है, वो चाहे ऑयल के अंदर या फिर किसी भी तरीके के लिक्विड के अंदर, और सिम पॉइंट पे जो है इसको पकाया जाता है। फिर नेक्स्ट तरीके की जो टेक्निक है इसका नाम है सिमरिंग। और इस तरीके की कुकिंग में खाने को बनाया जाता है और जस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना उससे जस्ट नीचे की जो तापमान पे या फिर कह सकते हैं गैस पे जो है चीजों को पकाया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप की टेक्निक आती है इसका नाम है ग्रिलिंग। और ग्रिलिंग तो सबको पता ही है, इसमें जो है जो हीट होती है ना या फिर जो आपका गैस होती है वो डायरेक्टली जो है वो फूड के टच में रहता है और इसको जो है इसमें जो धुआं भी जो है वो काफी निकलता है। तो डेफिनेटली कहा यह जाता है कि जो ग्रिलिंग का जो प्रोसेस है जैसे कि बारबेक्यूज वगैरह, तो इसको जो है आपको किचन के अलावा ओपन टेरेस पे या फिर ओपन जगह पे हो तो ज्यादा बेटर रहता है, या फिर जो चिमनी का जो एग्जॉस्टन पावर है वो काफी ज्यादा जो है वो होना चाहिए। फिर दोस्तों इसी के साथ अगर हम ओवन कुकिंग की अगर हम बात करें तो ओवन कुकिंग भी जो है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है। सबसे पहले आपकी रोस्टिंग हो गई, फिर इसमें सेकंड हो गई आपकी ब्रॉयलिंग, फिर थर्ड हो गई आपकी रोटिसरी, फिर फोर्थ हो गई आपकी बेकिंग। तो बेसिकली आपकी ओवन कुकिंग भी जो है वे चार तरीके की ये हो सकती है। और तो जब आप ओवन को भी आप किचन में प्लान करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवन के साथ में जो है 15 से 18 इंची का जो है आपका लैंडिंग एरिया जो है वो होना चाहिए। और तो आपको पता है कि जब आप खाने को या फिर फूड को जब स्टोर करते हैं तो कुछ ऐसी फूड आइटम्स होती हैं जो कि एक गैस को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है एथिलीन। तो बेसिकली एथिलीन गैस जो प्रोड्यूस होती है ना, तो एक तो मान लिया आपने दो तरीके के फूड आइटम साथ में रखे हुए, एक एथिलीन गैस को प्रोड्यूस कर रही है और दूसरा उसके साथ जो फूड पड़ा हुआ है ना वो एथिलीन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो एक जो फूड है उसकी एथिलीन गैस से दूसरा फूड भी जो है वो खराब हो सकता है। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो लिस्ट है ना ये उन फूड्स की है जो कि एमिट करते हैं एथिलीन गैस को, जिसमें आपका एप्पल, एवोकाडोस, एप्रिकोट्स हो गया, आपके मैंगोज हो गए, ऑनियन हो गए, आपके पियर्स हो गए, प्लम्स हो गए और टोमेटोज हो गए। तो ये जो तरीके ये जो सारे जो फूड हैं ये आपके एथिलीन गैस को जो है वो प्रोड्यूस कर। और फिर नेक्स्ट जो आप लिस्ट देख रहे हैं तो ये जो जितने भी फूड है ना ये इफेक्ट होते हैं एथिलीन गैस, मतलब इनके ऊपर अगर एथिलीन गैस का इफेक्ट अगर पड़ता है तो डेफिनेटली उससे खराब हो सकते हैं। तो इसमें आपके बनानाज हो गए, आपके ग्रीन बीन्स हो गए, कीवी हो गया, आपका पोटैटोज हो गए, कैरेट्स हो गए, एग प्लांट हो गए, हनी ड्यू मेलन हो गया, आपके लेटेस हो गया, आपके पीचीज हो गए। तो ये बेसिकली पूरी जो लिस्ट को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो सारी फूड आइटम है ये एथिलीन गैस से जो है वो इफेक्ट हो जाती है। आपको
बेसिकली जितने भी फूड आइटम है जो एथिलीन गैस से जो इफेक्ट हो जाती है, तो उन फूड आइटम से दूर रखना चाहिए जो कि एथिलीन गैस को प्रोड्यूस करती हैं। और फिर दोस्तों आपके घर में जो फ्रेश हर्ब्स होती है ना, तो उसको जब आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं तो गीले कपड़े में या फिर गीले टॉवल में जो है आप इसको रख सकते हैं, और जो ड्राई हर्ब्स और जो स्पाइसीज होते हैं उसको आपको कूल जगह पे जो है वो स्टोर करना चाहिए, यहाँ पर कि डायरेक्ट जो हीट का जो सोर्स है वो ना हो। तो इससे दोनों तरीके की जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो हर्ब्स हैं उनकी लाइफ जो है वो काफी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं किचन की सिंक के बारे में। तो किचन की जो सिंक है ना, उसकी काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स और साइज आपको मिल जाते हैं। इसमें सिंगल कंपार्टमेंट, डबल कंपार्टमेंट, ट्रिपल कंपार्टमेंट, इस तरीके से आपको जो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट की सिंक जो है वो मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस भी जो है इसमें मिलते हैं। इसलिए आपको किस टाइप की सिंक यूज करनी है ना, तो ये डिपेंड करता है कि कुक की क्या प्रेफरेंस है और वो कितनी जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी किचन की सिंक जो है वो डिसाइड होती है। दोस्तों फिर भी पांच ऐसे पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप किचन की सिंक को जो है सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो सिंक है वो किस तरीके से यूज होगी, सेकेंड पॉइंट कि सिंक की लोकेशन क्या है, थर्ड पॉइंट की टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन जो है वो किस टाइप का इंस्टॉलेशन, आपकी टॉप साइड सिंक है, आपकी अंडर माउंट सिंक है, फिर इंटीग्रेटेड सिंक है, फोर्थ नंबर पे आपकी सिंक की जो है वो डायमेंशन क्या है, और फिफ्थ नंबर पे आपका सिंक का जो मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल जो है वो यूज होने वाला है। तो ये पांच पॉइंट है जिसको कि आपको कंसीडर करना चाहिए जब आप अपनी सिंक को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो जनरली अगर टू कंपार्टमेंट वाली सिंक या फिर जो डबल सिंक जिसको हम बोलते हैं जनरली, तो उसके अगर मैं साइजेस के बारे में बात करूं ना, तो जनरली उसकी जो डेप्थ है वो 22 इंचेस रहती है, और अगर मैं इसकी लंबाई के बारे में बात करूं तो 33 इंचेस जो है वो रहती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, 44-45 इंचेस तक भी जो है मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो बेसिकली डबल सिंक आपका जो डबल कंपार्टमेंट वाली सिंक होती है उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की सिंक जो है आपको मार्केट में मिल सकती है। ऐसा कोई फिक्स इसका साइज नहीं रहता कि डबल कंपार्टमेंट की जो सिंक है वो आपको इसी पर्टिकुलर साइज की मिलेगी, तो वो काफी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस जो है आपको सेम एक टाइप की जो सिंक होती है उसको मिल सकते हैं। और फिर अगर मैं बात करूं कि जो डीप कितनी डीप होगी, तो लगभग 8-10 इंची तक जो है ये डीप हो सकती है। और जो किचन की कुछ अच्छी सिंक के लिंक भी जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और बेसिकली सिंक के ना काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल और स्टाइल जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट इसके मटेरियल के बारे में बात करूं, तो आपको स्टेनलेस स्टील हो गई, इनामल्ड कोट आयरन हो गया, आपकी सॉलिड सर्फेसिस वाली सिंक हो गई, क्वार्ट्ज में हो गई, मेटल्स में हो गई, स्टोन में हो गई, आपकी विट्रियस चाइना में हो गई, आपकी फायर क्ले में हो गई। तो इस तरीके से काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको जो है मटेरियल और स्टाइल में जो है आपको किचन की सिंक मिल सकती है। जैसे कि स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, तो बेसिकली इसमें जो है तीन आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट, आपको सबसे ऊपर सिंगल कंपार्टमेंट, फिर बीच में डबल कंपार्टमेंट, फिर तीसरे नंबर में ट्रिपल कंपार्टमेंट। तो इन तीनों टाइप के कंपार्टमेंट को जो है आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दिखने में जो है कुछ इस तरीके से ये जो है लगती है। फिर किचन में ना एक गेज का सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब इसको परचेज कर जाते हैं। तो जनरली 16-18 गेज की जो है आपकी सिंक होनी चाहिए। तो गेज की वैल्यू जो है वो जितनी आपकी जो है वो कम होगी उतनी जो सिंक की जो थिकनेस है उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और 20 गेज वाली जो सिंक है अगर डेफिनेटली आपकी जो गेज की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी जो थिकनेस है ना आपकी सिंक की वो कम होती जाएगी। तो 20 गेज वाली जो सिंक है वो काफी कम ड्यूरेबल रहती है, उसमें डेंट भी जो है वो काफी जल्दी पड़ जाते हैं, और 20 गेज वाली जो सिंक है उसमें नॉइज भी जो है आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और जो किचन की जो अच्छी क्वालिटी की जो स्टेनलेस सिंक होती है उसमें जो है अंडर कोटिंग करी जाती है और मफल्स जो है वो लगाए जाते हैं जिससे कि उस सिंक में से जो है वो नॉइज ना आए। और जो अच्छी क्वालिटी की सिंक में ना निकल का जो कंटेंट है वो भी जो है आपको मिलता है जो स्टेनलेस स्टील की सिंक होती है, जिससे कि आपकी जो सिंक है वो उस पर जो स्क्रैचेस है वो जल्दी से नहीं आते। तो निकल की जो कंटेंट है वो जितना ज्यादा रहेगा सिंक के अंदर तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी बढ़ जाती है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील की जो किचन की सिंक होती है ना आपको ध्यान रखना होता है कि उसके फिंगरप्रिंट जो है वो काफी जल्दी से जो है वो पड़ जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं किचन के कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉसेट्स आपको मिल जाएंगे। तो जनरली इसमें पांच टाइप के फॉसेट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले होगा आपका वॉल माउंटेड पॉट फिलर, सेकंड नंबर होगा आपका वॉल माउंटेड फॉसेट, थर्ड नंबर होगा आपका डेक माउंटेड या फिर जिसे काउंटर टॉप या फिर ब्रिज फॉसेट जिसे बोलते हैं, फिर फोर्थ नंबर होगा आपका सिंगल हैंडल्ड या फिर पुल आउट स्प्रे, और फिफ्थ नंबर पर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉसेट। तो ये पांच तरीके के जो फॉसेट है आपको जो है वो मिल सकते हैं मार्केट में जिसको कि अपने किचन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं किचन के अप्लायंसेस के बारे में। तो किचन के जो अप्लायंसेस होते हैं उसको आप बेसिकली दो कैटेगरी में जो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हो गया आपका फ्री स्टैंडिंग और नंबर टू पे हो गया आपका बिल्ट इन। और इसमें जो फ्री स्टैंडिंग अप्लायंसेस होते हैं ना उसके जो तीनों साइड्स या फिर जो जितनी भी साइड्स हैं जो दिखने वाली वो प्रॉपर तरीके से जो है फिनिश रहती है। और जो मैं किचन के जो अप्लायंसेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें मैं बात करूं आपके रेंजेस की, रेफ्रिजरेटर्स की, फ्रीजर्स की, माइक्रोवेव ओवंस की, तो ये जो सारी चीजें आपके किचन के अप्लायंसेस में आती है। जितनी भी आप पुरानी किचन देखेंगे वहां पे आपको फ्री स्टैंडिंग अप्लायंसेस ही जो है वो ज्यादातर मिलेंगे। और बेसिकली जो
बिल्ट इन अप्लायंसेज होते हैं उसके लिए जो है आपको एक कैबिनेट चाहिए होता है अपने घर में जिसके अंदर उस पर्टिकुलर अप्लायंस को आप प्लेस कर सके। दोस्तों नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, अब जैसे सामने आप देखेंगे तो हॉब लगा हुआ है, उसके ठीक सामने जो है आपका रखा हुआ है एक सिंक। तो अगर मान लिया रास्ता बंद है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड वाली फोटो में है, एक तरफ रास्ता बंद है और वहां पर रहे कोई व्यक्ति काम करेगा, दैट्स ऑल। तो वहां पर आपको मिनिमम जो स्पेस है वो 4 फीट 6 इंच का छोड़ना है। अगर बाय चांस वहां पर सिंक भी लगी हुई है और वो एक वॉकिंग स्पेस भी है तो वहां पर आपको मिनिमम जो स्पेस है वो 5 फीट 4 इंच का जो है वो छोड़ना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं किचन के, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेटर्स आपको जब मिलते हैं, क्योंकि जब आप किचन डिजाइन करते हैं ना तो रेफ्रिजरेटर्स के टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उनका काम क्या रहता है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर का काम होता है कि जो भी आपके किचन का जो फूड होता है वो आपका जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, वो गंदा ना हो और उसमें कोई भी फंगस या बैक्टीरिया जो है वो ना पनपे। तो ये जो है आपका मेन पर्पस रहता है रेफ्रिजरेटर का, और आपका जो फूड है वो लंबे टाइम तक जो है वो फ्रेश रहना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बात की थी फ्री स्टैंडिंग एक अप्लायंसेस होते हैं और एक होते हैं आपके बिल्ट इन, तो इसी तरीके से जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो भी आपका एक तो नॉर्मली फ्री स्टैंडिंग आते हैं और एक बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर आते हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं तो यहाँ पर जो रेड कलर से जो मार्क हो रखा है ये फ्री स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर ये है। और फिर जो नेक्स्ट फोटो देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको रेफ्रिजरेटर दिख रहा है ये बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर फ्रीजर यहाँ पर आपको दिख रहा है। टिपिकली अगर मैं घर में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर के अगर मैं स्टैंडर्ड साइज के बारे में बात करूं तो इसकी जो विड्थ है वो 32 इंच से लेकर के 48 इंच तक के बीच की हो सकती है। हाइट के बारे में बात करें तो 67 इंच से लेकर के 70 इंच तक इसकी हाइट हो सकती है। अगर डेप्थ के बारे में बात करें तो 34 इंच तक की जो है इसकी डेप्थ हो सकती है। और फिर हम बात करते हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आपके घरों के लिए रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला हो गया आपका अंडर काउंटर, आपका जो कि आपके काउंटर के नीचे की साइड में जो है वो रखा रहता है रेफ्रिजरेटर। फिर सेकंड आ गया आपका प्रोफेशनल रेफ्रिजरेटर जो कि आपका कॉमर्शियल एरियाज के लिए यूज किया जाता है। फिर थर्ड आ गया आपका साइड बाय साइड, फिर फोर्थ आ गया आपका बॉटम माउंट, फिर फिफ्थ आ गया आपका ऑल रेफ्रिजरेटर या फिर ऑल फ्रीजर जो कि पूरा का पूरा जो है वो फ्रीजर की तरह ही होता है। बेसिकली अगर मान लिया आइसक्रीम पार्लर है या फिर सारा फ्रीजिंग का ही वहां पर काम होना है तो वहां पर जो है इस तरीके का रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है। देन फिर आपका सिक्स नंबर पे आ गया आपका फ्रेंच डोर फ्री स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर, फिर आ गया आपका टॉप माउंट रेफ्रिजरेटर। तो ये बेसिकली मैंने कुछ कैटेगरीज जो है आपको बताई है रेफ्रिजरेटर की, और इसके जो स्टैंडर्ड साइजेस हैं वो भी जो है मैंने आपको बता दी। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप फ्री स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल मान लिया आपका फ्री स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर मान लिया वो 2.5 फीट का 30 इंच का है, तो आपको 30 इंच का स्पेस नहीं छोड़ना वहां पे, आपको लगभग लगभग जो है आपको 1.5 इंच का स्पेस लेफ्ट में और 1.5 इंच का स्पेस जो है वो राइट हैंड साइड में, जिससे कि बेसिकली एयर का जो सर्कुलेशन है वो हो सके। तो ये जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर दोस्तों बात करते हैं बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के बारे में। तो इसको जो बेसिकली इंट्रोड्यूस करा गया था घरों के लिए लेट 1940s में, और इसको जो इस तरीके से इंजीनियर्ड करा गया था कि कैबिनेटरी में जो है वो इंस्टॉल हो सके। और जैसे कि मैंने बताया कि जो फ्री स्टैंडिंग रेफ्रिजरेटर होता है उसकी चारों जो साइड्स है वो आपकी फिनिश रहती है, तो इसमें जो है क्योंकि जो साइड्स है सारी दिखती नहीं है तो प्रॉपर तरीके से फिनिश भी नहीं रहती है। दोस्तों बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो विड्थ है वो आपको 18 इंच से लेकर 48 इंच तक के बीच में मिल सकती है, और हाइट के बारे में बात करें तो 72 इंच से लेकर 84 इंच तक मिल सकती है, और डेप्थ इसकी 24 इंच से लेकर 26 इंच तक इसकी डेप्थ मिल सकती है। और मॉडल्स अगर हम इसमें इंक्लूड करें तो बॉटम माउंट फ्रीजर हो गया, साइड बाय साइड आपका रेफ्रिजरेटर फ्रीजर हो गया, देन फिर आपका फ्रेंच मॉडल आपको मिल सकता है, फ्रेंच डोर मॉडल, और ऑल रेफ्रिजरेटर या फिर ऑल फ्रीजर भी जो है आपको बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर में मिल सकता है। और फिर हम बात करते हैं अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो बेसिकली अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर जो कि काउंटर होते हैं उसके नीचे की साइड में जो इसको इंस्टॉल किया जाता है, बेसिकली कन्वीनियंस के हिसाब से जो इसको इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि इसमें जब हम चीजों को निकालते हैं फिर रखते हैं तो काफी ईजी रहता है, क्योंकि आपको नॉर्मली आपके काउंटर के नीचे से ओपन करना है और जस्ट वहां से निकाल करके चीजों को यूज कर लेना है, तो डेफिनेटली कन्वीनियंस के हिसाब से काफी अच्छा रहता है। और अगर इसके मैं अगर साइजेस के बारे में बात करूं तो विड्थ इसकी 15 इंच से लेकर के 30 इंच तक के बीच की आ सकती है, डेप्थ इसकी 24 इंच रहती है, हाइट जो है इसकी लगभग 34.5 इंच तक जो है वो रहती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर बेसिकली ऐसे रेफ्रिजरेटर जो कि कॉमर्शियल एरियाज में यूज करे जाते हैं, और ये जो रेफ्रिजरेटर काफी नॉइजी रहते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में भी ये रेजिडेंशियल रेफ्रिजरेटर से काफी कम रहते हैं। और दोस्तों काफी सारे कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स की जो ब्रांड्स है ना, तो वो अब जो है रेजिडेंशियल्स के लिए भी जो है रेफ्रिजरेटर बना रही है जिसको कि वो प्रोफेशनल सीरीज जो है वो बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इस फोटो में भी देख रहे हैं तो एक तरफ आते हैं आपके कॉमर्शियल में आपके स्पेस सेवर मॉडल जो कि 4 फीट तक की जिनकी विड्थ रहती है, और एक तरफ आते हैं आपके जो कि 3 डोर ऑल रेफ्रिजरेटर जिनकी जो विड्थ है वो 6 फीट 2 इंच तक के बीच की, और हाइट दोनों की सेम ही रहती है 7 फीट। लेकिन दोस्तों अगर आप डेप्थ के बारे में बात करें तो देखिए दोनों में जो डेप्थ है आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो डेप्थ है 20
फोर इंच यानी कि 2 फीट के राउंड है जो कि स्पेस सेवर मॉडल है, और जो 3 डोर ऑल रेफ्रिजरेटर है उसकी जो डेप्थ है वो 2 फीट 5 इंच के राउंड है। और टिपिकल जो कॉमर्शियल जो रेफ्रिजरेटर रहते हैं उनकी जो विड्थ के बारे में बात करें तो 13 इंच से लेकर 100 इंच तक की इनकी विड्थ रह सकती है, डेप्थ के बारे में बात करें 24 इंच से लेकर 36 इंच तक रह सकती है, और हाइट जो है इसकी 84 इंच तक रह सकती है। और फिर हम बात करते हैं फ्रीजर के बारे में, ऐसे रेफ्रिजरेटर जिनमें की कंप्लीट जो सेक्शन रहता है फ्रीजर का ही रहता है। तो इसमें बेसिकली दो फॉर्म्स आती है, एक आती है आपकी अपराइट और सेकंड आती है आपकी चेस्ट मॉडल्स। और अगेन आपके जो फ्रीजर्स हैं ये आपके फ्री स्टैंडिंग भी हो सकते हैं और बिल्ट इन मॉडल्स में भी हो सकते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड जो है वो डिफ्रॉस्ट मॉडल्स जो है वो टिपिकली चेस्ट टाइप फ्रीजर जो है वो रहते हैं, और एक आता है आपका सेल्फ डिफ्रॉस्टिंग मॉडल्स, तो टिपिकली ये जो है आपके अपराइट यूनिट्स में आते हैं। तो टिपिकली अगर आप फ्रीजर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे फ्रीजर वाले रेफ्रिजरेटर को ले सके। तो सबसे पहला कि आपको किस टाइप का जो फूड है वो आपको जो है वो फ्रीजर में जो है वो स्टोर करना है, फिर सेकंड आपकी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो आपके फ्रीजर की कितनी रहनी चाहिए, और नंबर 3 कि आपको जो आइस मेकर है वो कितना इजीली एक्सेसिबल चाहिए, नंबर 4 कि एयर फिल्टर जो है वो उसमें है कि नहीं है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जो शेल्व्स हैं वो आप एडजस्टेबल है कि नहीं है, और नेक्स्ट पॉइंट कि आपके जो ड्रॉर्स हैं वो ठीक तरीके से आप यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकिंग मेथड के बारे में। तो कुकिंग मेथड यूजली या तो आपकी ड्राई होगी या तो वेट आपकी कुकिंग होगी, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात करी कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुकिंग होती है। वो इसलिए बात करी थी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुकिंग जो है वो काफी सारी चीजों पे जो डिपेंड करते हैं कि आपके मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, आपकी चिमनी का स्टाइल किस तरीके का है। तो जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देखना, लेफ्ट हैंड साइड फोटो में आप देखेंगे तो जो आपका हॉब का साइज और जो चिमनी का साइज है दोनों का साइज है वो सेम है। तो आप देखेंगे कि जो स्मोक है अगर वो बहुत ज्यादा जो है वो डीप फ्राई वाला कुकिंग करेंगे तो वो डेफिनेटली जो धुआं है वो आपका जो है वो बाहर जाएगा और किचन में काफी प्रॉब्लम कर सकता है। और अगेन आप देखेंगे तो 36 वाइट जो है वो कुकटॉप है और आपका 42 वाइट जो है वो हॉब है। तो इस कंडीशन में जो काफी आइडियल कंडीशन है उसमें देखेंगे जो स्मोक है वो चिमनी जो पूरी तरीके से सक कर रही है। तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुकिंग के बारे में बताया था जिससे आपको पता चल सके कि ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किचन डिजाइनिंग के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिशवॉशर के बारे में। तो डिशवॉशर के मैं विड्थ के बारे में बात करूं तो 18 इंच 24 इंच 30 इंच इनफैक्ट 36 इंच तक भी जो आपको डिशवॉशर मिल जाएंगे। तो बेसिकली एक अच्छे डिशवॉशर को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है उसका साइज जो है वो डिसाइड करना है। प्लस इसके साथ आपको बेसिकली जो साइकिल है ना आपका 10 मिनट साइकिल वाला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनट के जो साइकिल होते हैं कि अगर आपने एक बार फुल करके डिशवॉशर को प्लेस करा तो कितने मिनट बाद जो है वो चीजों को जो है एकदम क्लीन करके रेडी वो कर देगा न्यू साइकिल के लिए। तो लगभग 10 मिनट वाला साइकिल जो रेजिडेंशियल यूज के लिए सफिशियंट रहता है। और दोस्तों अगर मैं डिशवॉशर के डेप्थ के बारे में बात करूं 22 इंच की डेप्थ है और हाइट जो है इसकी 34.5 इंच तक जो है वो रह सकती है। तो आपके जो डिशवॉशर जो स्टैंडर्ड मॉडल होते हैं ना उसमें तो आपके काफी बेसिक आपके जो फीचर्स आपको देखने के, लेकिन दोस्तों जो हाई ग्रेड के जो मॉडल्स होते हैं ना डिशवॉशर के तो उसमें काफी आपको फीचर्स जो है वो मिल सकते हैं। लाइक आपका हाई ग्रेड जो मॉडल्स होते हैं उसमें एडजस्टेबल रैक्स हो सकते हैं, सिल्वर वेयर ट्रेज हो सकती हैं, रिमूवेबल पार्ट्स हो सकते हैं, और जिससे कि आप लार्ज आइटम्स को भी जो वहां पर यूज कर सकें, और 3 वाटर सोर्सेज जो है उसमें रहते हैं। क्योंकि बेसिकली जो आपके स्टैंडर्ड जो मॉडल्स रहते हैं उसमें आपका जो है जनरली 1 या फिर 2 टाइप के ही जो है आपको ये वाटर के जो सोर्सेज है वो उसमें होते हैं, लेकिन जो आपके प्रीमियम मॉडल्स होते हैं उसमें 3 वे वाले भी जो है आपके जो सोर्स है वाटर के वो हो सकते हैं। फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन है ना जब वो ऑपरेशन मतलब पूरी तरीके से वर्क करे डिशवॉशर तो उसमें जो साउंड है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साउंड जो है वो कम से कम रहनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको एर्गोनॉमिक्स का भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और एर्गोनॉमिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। और दोस्तों डिशवॉशर का ना एक बहुत ही खास फीचर है जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप डिशवॉशर को परचेस करते हैं, तो एक फीचर इसका नाम है एक्वा स्टॉप। तो इसमें यूजली जब आपको नहीं पता चलता और मान लिया कोई पानी लीक हो रहा है आपके डिशवॉशर में तो डेफिनेटली उसका जो वाटर है वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसको जो है वो ऑफ कर देता है। तो एक्वा स्टॉप ये एक फीचर है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप डिशवॉशर को परचेस करते हैं। अब दोस्तों लास्ट मिनट में आपको कुछ पॉइंट बता दूं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से जब आप डिशवॉशर को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि डिशवॉशर का जो डिजाइन है वो आपके लिए फिट है कि नहीं है, मतलब उसका जो साइज है वो आपको किस साइज का लेना है तो वो जो आपको डिसाइड करना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट कि डिशवॉशर की जो फिनिश है वो किस टाइप की फिनिश है, नंबर 3 उसका जो साउंड लेवल है सिलेक्टेड मॉडल का साउंड लेवल कितना है, नंबर 4 में आपको जो पूछना है कि डिशवॉशर की जो डोर है वो ओपन जो हो रही है वो फुली ओपन हो रही है या फिर पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रही है, और फिर 5th पॉइंट है कि आपका जो जो डिशवॉशर है उसकी जो इंटीरियर के जो रैक है उसमें एडजस्टेबिलिटी है कि नहीं है, नंबर 6 की उसमें जो वाटर सोर्स है वो कितने वाटर सोर्स हैं आपके यूनिट के अंदर, और नेक्स्ट पॉइंट जिसका आप ध्यान रखना कि उसमें जो फिल्टर जो है वो कहां पर लोकेटेड है, फिर नेक्स्ट
मैनेजमेंट की नंबर ऑफ डिशवॉशर जो है आपको कितने चाहिए, ये भी जो आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको पूछना है कि वॉशिंग साइकिल जो है उस पर्टिकुलर डिशवॉशर का कितना है। तो ये जो सारे पॉइंट है आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप डिशवॉशर को परचेज करते हैं। अब हम बात करते हैं किचन की जो कैबिनेट होती है उसके साइजेस के बारे में, उसके साइज आप कितने कितने जो है वो रख सकते हैं। देखिए किचन की कैबिनेट एक तो होती है आपकी टॉप कैबिनेट जो कि आपका टॉप पे जो है वो फिक्स करी जाती है, और एक होती है बॉटम कैबिनेट जो कि नीचे की साइड जो फिक्स करी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉटम कैबिनेट के बारे में। तो बेसिकली बॉटम कैबिनेट को बेस कैबिनेट ही बोला जाता है। ओवरऑल जो इसकी डेप्थ रहती है वो 24 इंचेस तक जो इसकी डेप्थ रहती है, और हाइट इसकी 34.5 इंचेस से लेकर के 36 इंचेस तक के बीच में जो रह सकती है, और इसकी जो विड्थ है ना वो आप जो है 6 इंचेस से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरली जो इंक्रीमेंट जो इसका रहता है वो पर 3 इंचेस के हिसाब से जो रहता है, इसलिए हम देखा होगा कि काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बास्केट्स भी आते हैं ना वो इस तरीके से आती हैं आपकी 15 इंची, 18 इंची, 21 इंची, 24 इंची, तो इस तरीके से तभी जो मिलती है, क्योंकि इसका जो इंक्रीमेंट है वो 3-3 इंची पे जो रहता है। बेसिकली जो बेस कैबिनेट की जो साइज होते हैं ना वो 6 इंची से लेकर के 54 इंची तक के बीच में रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपर कैबिनेट्स के बारे में। तो जैसे कि फोटो में भी देख रहे हैं अपर कैबिनेट देखने में जो है वो कुछ इस तरीके से लगता है, और अपर कैबिनेट का साइज है वो भी अगेन आप 6 इंची से लेकर के 54 इंची तक की जो इसकी विड्थ रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो डेप्थ होती है वो 12 इंची रहती है। और अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं तो हाइट इसकी 12 इंची से लेकर के 42 इंची तक के बीच में जो है वो रह सकती है। और बेसिकली ना इसकी जो हाइट है ना वो बेसिकली डिफाइन कई बार करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो इस तरीके से भी इसको डिजाइन करवाते हैं कि बिल्कुल सीलिंग तक ही जो है इसको ले लेते हैं, तो इसलिए जो इसका वेरिएशन आप देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन जो इसमें देखने को मिल रहा है कि 12 इंची से लेकर के 42 इंची तक जो है इसकी हाइट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टॉल स्टोरेज कैबिनेट के बारे में। तो इसका जो विड्थ है वो 9 इंची से लेकर के 48 इंची तक आप ले सकते हैं, फिर अगेन इसकी जो डेप्थ है वो आपकी 12 इंची से लेकर के 24 इंची तक हो सकती है, और हाइट जो इसकी 84 इंची से लेकर के 96 इंची तक हो सकती है। अब दोस्तों तीन ऐसे पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप किचन की जो कैबिनेट जब आप डिजाइन करते हैं ना, तीन ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फुल ओवरले डोर के बारे में। फुल ओवरले जो डोर होते हैं वो पूरे कैबिनेट फ्रेम को कवर कर लेते हैं। फिर सेकंड नंबर आते हैं हाफ ओवरले डोर, तो हाफ ओवरले डोर जो है वो हाफ कवर करते हैं कैबिनेट के फ्रेम को। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपके फ्लश इनसेट डोर, तो जैसे कि फोटो में भी देख पा रहे हैं तो दिखने में जो है कुछ इस तरीके से लगते हैं। और बेसिकली ये जो डोर होते हैं जो आपके कैबिनेट के जो आउटसाइड एज होती है वहां पर इस तरीके से फिक्स किए जाते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एल कॉर्नर्स होते हैं ना उसके बारे में। तो जैसे कि फोटो में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक तरफ है लेजी सुसैन और एक तरफ है आपका स्टैंडर्ड ब्लाइंड कॉर्नर, फिर आगे आपका सुसैन शेल्फ हो गया, फिर आपका हो गया ब्लाइंड कॉर्नर एक्सिस, फिर हो गया आपका 45 डिग्री एंगल डोर। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर की जो फिटिंग्स आपको जो मार्केट में मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट एल कॉर्नर की भी जो है आपको फिटिंग मार्केट मिल जाएगी, और डेली जो है इसके पे जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनोवेशन जो है वो होता रहता है। और फिर दोस्तों आपके जो किचन के जो इंटीरियर के जो कैबिनेट होते हैं उसके जो हार्डवेयर होते हैं उसके बारे में भी जो थोड़ा बहुत हम समझ लें। तो इसमें सबसे पहले आ गए आपकी फुल एक्सटेंशन स्लाइड्स। तो ये जो ड्रॉर्स होते हैं ना 100% जो है आपके बाहर ये आ जाते हैं और फुली जो है आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे हो गए आपके 3/4 एक्सटेंशन। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है तो ये 75% जो है वो आपके बाहर आते हैं फ्रेम बॉक्स से, और इसमें जो लिमिटेड एक्सेस जो है आपको मिलता है। और फिर थर्ड नंबर पे आ गए आपके बॉटम माउंट स्लाइड, और इसमें जो हार्डवेयर होता है वो ड्रॉअर के बॉटम में जो है फिक्स करा जाता है, और टिपिकली जो है ये सॉफ्ट क्लोजिंग जो है वो रहते हैं, और इसमें जो है साउंड का जो है मिशन होता है क्योंकि जो क्लोजिंग है वो अनक्लोज्ड रहती है। फिर फोर्थ नंबर पे आ गए आपके साइड माउंट स्लाइड, और फिर फिफ्थ नंबर पे आ गए आपके नाइलॉन रोलर स्लाइड, और इसमें जो हार्डवेयर होता है ना वो माउंट होता है आपका एक्सटीरियर बॉटम कॉर्नर पे। और नाइलॉन रोलर स्लाइड्स में भी आपको दो मॉडल जो आपको मिल जाएंगे, एक हो गया आपका फुल एक्सटेंशन और एक हो गया आपका 3/4 एक्सटेंशन, जिसके बारे में भी जो अभी हमने बात कर ली। तो इसी में नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ओपनर्स। तो हेडिंग इंटरनेशनल इजी सिस्टम जो है वो अलाउ करती है इस तरीके के ड्रॉर्स को, जिसमें कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाते हैं, जस्ट आपको फिंगर टच जो है वो करना है और आपके जो कैबिनेट के जो डोर्स है वो आपके ओपन हो जाते हैं। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ओपनर्स जो है वो काफी अच्छे रहते हैं जब एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात आती है, और काफी सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि अपने बॉडी का जो है वो कंप्लीटली यूज नहीं कर सकते, तो वो हल्का सा टच करते हैं, टच करके अपने जो ड्रॉर है उसको इजीली एक्सेसिबल बना सकते। फिर नेक्स्ट आ गए आपके कंसील्ड हिंजेस। तो कंसील्ड हिंजेस में भी आपके हिडन हिंजेस हो गए, तो ये भी जो है अवेलेबल रहते हैं आपके फुल ओवरले, हाफ ओवरले और इनसेट पैनल डोर्स की फॉर्म में। तो दोस्तों इस तरीके से किचन डिजाइनिंग के सारे बेसिक्स को जो है वो एक वीडियो में मैंने समझाने की जो है वो कंप्लीट कोशिश करी है। और दोस्तों किचन डिजाइनिंग को आप इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट कोर्स भी बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके की वीडियोस बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को जरूर
लाइक कर दिया करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता हूं, तो वहां पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।